वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें टक ऐप। ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लाल किले पर इकट्ठा हो चुके हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त सीआरपी बंदोबस्त के बीच इन प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस भी लगातार बात कर रही है कि प्रदर्शन अगर हो भी रहा है तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, और इसीलिए अगर कोई अव्यवस्था होती है तो आप ये जो देख रही हैं वर्दी में और साथ ही प्रोटेक्टिव गियर में जो पुलिस वाले हैं, ये हर उस स्थिति से भी निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ नारेबाजी, बैनर पोस्टर, हाथों में तिरंगा लेकर के बैनर लेकर के कानून के खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये तमाम सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। पुलिस इन्हें कह रही है कि ये यहाँ पर बैठ जाएं, इन्हें दरअसल यहाँ से मार्च करना है शहीदी पार्क तक, लेकिन धारा 144 लगा दी गई है और इसलिए पूरी संभावना यह है कि पुलिस उन्हें यहाँ से आगे न जाने दे, उन्हें यहीं पर रोक ले कि आप अपना प्रदर्शन यहीं पर करें। और इसमें साथ ही जेएनयू के कुछ जो पुराने छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मोहित पांडे हमारे साथ, पूर्व जेएनयू जो स्टूडेंट अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पर हैं। मोहित, आज सरकार ने सफाई दी है, उसके साथ साथ एक बात ये कही जा रही है कि देखिए जो बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं शायद उन्हें इस कानून के बारे में नहीं पता है या कहीं कोई कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, उस बीच ये तमाम सारे लोग लाल किले पर इकट्ठा हुए हैं, आखिर संदेश के पीछे कोई कन्फ्यूजन भी है क्या? देखिए, कन्फ्यूजन फैलाने वाले कौन है, पहले सरकार में बैठे लोग, खुद गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ये सारे कन्फ्यूजन फैलाए जाते हैं। और अब आप ये कहें कि ये नहीं भाई कन्फ्यूजन कोई और फैला रहा है, फिर आप पैसे लगा के उसको विज्ञापन दे, आप शुरू में क्यों इस तरह का बात नहीं कर रहे हैं? और आप फिर अभी भी मौका है कि वो आप आके क्लियर बता दें कि ये बात है। बस आज इस प्रदर्शन मार्च से क्या संदेश देना चाहते हैं? बात यही है कि ये एक गैर संवैधानिक चीज है जो ये संविधान के विरोध में है, इस कानून को वापस लेना चाहिए, कानून की वापसी की मांग को लेकर। ये देखिए, अब ये प्रदर्शनकारी यहाँ से घूम चुके हैं, हालांकि पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, अब ये यहाँ से मुड़ रहे हैं आगे, और ये आगे जो है, अच्छा सर यहाँ डिटेन भी किया जा रहा है लोगों को, पुलिस भी फिलहाल कुछ नहीं कहेगी। कई सारे लोगों को हमने ये सुना, कह रहे हैं कि जिन्हें अगर हिरासत देनी है वो यहाँ पे आ जाओ। देखिए, कुछ प्रदर्शनकारियों को बस में लेकर जाया जा रहा है, इस बीच कुछ लोगों की ये सीधी तस्वीरें लाल किले से, जो प्रदर्शनकारी हिरासत में, खुद को हिरासत में देना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर ले जाया जा रहा है, ये बंदोबस्त है। और दूसरी तरफ आगे पुल प्रदर्शनकारियों को जाने की इजाजत नहीं है 144 के तहत। और इस बीच ये तस्वीरें, जो प्रदर्शनकारी, बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन है कानून के खिलाफ में, हिंसा की कोई स्थिति फिलहाल कहीं भी कोई रिपोर्ट नहीं है।